मुसल्ला अफवाज क्यादत पर बराह रास्त मुख्तलिफ हवालों से बात पर अफवाज का तशवीश का इजहार। मुसल्ला अफवाज को सियासी गुफ्तगू में घसीटने की कोशिश हो रही है, तवक्को है कि सब कानून की पासदारी करेंगे। ISPR का बयान वाजे कर दिया कि अफवाज पाकिस्तान को मुल्क के बेहतरीन मफाद में सियासी गुफ्तगू से दूर रखें, गैर मुसद्दका इश्तियाल अंगेज बयान नुकसानदेह हैं। जब मैं इस्लामाबाद की अपनी कौम को कॉल दूंगा, ये मेरा ईमान है कि जितने मर्जी भी ये कंटेनर खड़े कर दें, 20 लाख लोग से ज्यादा इस्लामाबाद आएंगे इंशाल्लाह। जितने मर्जी कंटेनर्स खड़े कर लें, जब कॉल दूंगा 20 लाख से ज्यादा लोग इस्लामाबाद आएंगे। लोटे पाकिस्तान में जहां भी जाएंगे जमीर फरोश और गद्दार के नारे लगेंगे। इमरान खान ने अब्दाबाद में कारकुनान का लहू गरमा दिया। शहबाज शरीफ को कपड़े उतारने के बजाय लूटी हुई दौलत वापस करने का मशवरा। कहा रोजे आखरत न्यूट्रल होने का मौकफ नहीं चलेगा, जुल्म के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। चोर लुटेरे और इम्पोर्टेड हुक्मरान इकट्ठे हो गए। मौजूदा हुकूमत को सिर्फ 2 वोट्स की अक्सरियत हासिल है। शेख रशीद अहमद का जलसे से खिताब। शहबाज शरीफ के कपड़ों से पाकिस्तान के लिए मेहनत के पसीने की खुशबू आ रही है। इफाकी वजीर दाखला का शेख रशीद को जवाब, एक जमहूरी वोट सिलेक्शन के 174 वोटों पर भारी बकरार। छोटे और बड़े शैतान भगाने के लिए हिस्सा खींच दिया। वजीफा तेज होगा तो शैतानों की चीखों में और इजाफा होगा। राणा सनाउल्लाह का बयान। चार साल हुकूमत में इल्जाम क्यों साबित नहीं किए जा सके। इमरान खान को इक्तदार जाने का नहीं, वोट के जरिए शहबाज शरीफ के कुर्सी पर बैठने का गम है। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने इमरान खान को साजिशी करार दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के लिए इमरान खान ने हतमी प्लान मंजूर कर लिया। लॉन्ग मार्च का ऐलान होते ही मुख्तलिफ शहरों को जाम करने का मंसूबा। बड़े शहरों की बंदिश के लिए पॉइंट्स भी तय कर लिए गए। पार्टी कायदीन को गिरफ्तारियों से बचने की हिदायत। हुंजा में सैलाब से टूटने वाले हसनाबाद RCC पुल की जगह लोहे के पुल की तामीर का आगाज। NHA हुकाम का 15 से 20 दिन में पुल मुकम्मल करने का दावा। RCC पुल 6 से 7 माह में तामीर होगा। पुल गिरने के बाद 22 घर खाली करा लिए गए। शिशपर ग्लेशियर के फटने से पुल बह जाने के साथ 13 मकानात, 2 हाइड्रो पावर प्लांट्स भी मुतासर हुए। जरई और पीने के पानी का निजाम तबाह हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शिशपर ग्लेशियर झील से पानी के खराज से होने वाली तबाही पर हंगामी इकदामात का हुक्म। मुतासरा इलाकों में खुराक अद्वियात और जरूरी हंगामी सामान पहुंचाने की हिदायत। नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। बिजली घरों को जंगी बुनियादों पर बहाल करने का हुक्म। अखराजात वफाकी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। लाहौर में प्याज 120 रुपए फी किलो से नीचे नहीं आ सके। इस्लामाबाद के इतवार बाजारों में भी शहरियों को रिलीफ फराहम करने में नाकामी। सस्ते बाजार में लीमू 720 रुपए किलो में भी दस्तियाब नहीं। अदरक की 220 रुपए फी किलो में फरोख जारी। पेशावर में आटे का बहरान संगीन शक्ल इख्तियार करने लगा। गलत सियासत की वजह से बहुत से फलाही काम इल्तवा का शिकार रहे। जाती मामलात को पसे पुष्ट डालने के लिए बड़ा दिल चाहिए। जाती पसंद या नापसंद से ऊपर जाना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सलीम मेमोरियल ट्रस्ट अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चेयरमैन वापदा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन का इस्तीफा मंजूरी के लिए वफाकी काबीना में पेश करने की मंजूरी दे दी। आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। मंजूरी के बाद नए चेयरमैन वापदा की तैनाती का अमल शुरू होगा।
पाक सरजमीन पार्टी का 15 मई को कराची में खवातीन का जलसा करने का ऐलान। इमरान खान की करप्ट और नाअहल हुकूमत मदद से आई थी, मौजूदा हुकूमत जायज तरीके से आई और मुंतखब नुमाइंदगान पर मुश्तमिल है। मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का 42वां इजलास कल शाम 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब कर लिया। स्पीकर की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्ताफी अरकानी असम्बली को तलब करके इस्तीफों की तस्दीक किए जाने का इम्कान। गर्मी की लहर के बायस पंजाब और इस्लामाबाद में पारा 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऊपर जाने का इम्कान। सिंध बलूचिस्तान में दर्ज हरारत 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने की पेशगोई। गर्मी बढ़ने पर लाहौरियों ने नहरों का रुख कर लिया। कराची में नौजवान लहरों से छेड़छाड़ करने पहुंच गए। पाकिस्तान इस साल भी कपास का पैदावारी हदफ हासिल करने में नाकाम। 1.5 करोड़ के बजाय कपास की पैदावार 83 लाख गांठे रही। मेहर मोहब्बत इसार मरवत सब्र रजा और खलूस वफा की पैकर माँ के लिए एक दिन नहीं जिंदगी का हर लम्हा अजमत पर निसार और खिदमत के लिए वक्फ कर दें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माओ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। माओ के आलमी दिन पर कौमी क्रिकेटर्स का भी अजीम हस्ती को खिराज तहसीन। शादाब खान ने माँ को हकीकी सुपर हीरो का नाम दे दिया। माँ बनने के बाद इस मकाम की अहमियत का पहले से ज्यादा एहसास हुआ। बिस्मा मारूफ का ट्वीट।